समाज की परिभाषा चाहे जो भी हो, मगर अमूमन ये देखा गया है कि ये समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वो जो जीतता है तो दूसरा जो हारता है। एक जिसका शोषण होता है तो दूसरा जो शोषण करता है। और यही प्रक्रिया बिल्कुल तराजू की तरह चलती रहती है। कभी किसी का पड़ला भारी तो कभी किसी का। और यही सब हमें आम जीवन में भी देखने को मिलता है। ये दोनों वर्ग अपना स्थान जय और पराजय के बीच में बदलते रहते हैं। किसी की चाल से ना जाने कब बाजी पलट जाए वो निश्चित नहीं होता। जैसे कि कोई विशाल खेल और हम सब उसके मौरे। खेलों के बारे में कहा जाए तो कुछ खेल अपनी तीव्रता और बल से खेले जाने वाले होते हैं, वहीं कुछ अपनी बुद्धिमता और रणनीति से। इन्हीं खेलों में से एक 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत में आविष्कारित चतुरंग का खेल है। इस खेल को इतनी प्रतिष्ठा मिली कि ये अफगानी और अरबी देशों में पहुंचा, जहां इसको शतरंज के नाम से जाने जाना लगा। यहां से वो यूरोप पहुंचा और इसको अपना विश्व प्रसिद्ध नाम चेस मिला। इसी राह में चतुरंग के प्यादे भी बदलते गए। अरबी देशों में जहां रेगिस्तान होने की वजह से चतुरंग की नाव का स्थान ऊंट ने ले लिया, वहीं यूरोप में मिली प्रसिद्धि के बाद वजीर की जगह भी रानी ने ले ली। ये खेल में बदलाव एक आधुनिक सोच का प्रतीक भी माना जा सकता है। इस आधुनिक समाज में स्त्रियों पे हो रहे अन्याय को रोकने के लिए शतरंज की रानी की तरह ही उन्हें भी कहीं विशेष अधिकारों से नवाजा गया है, जिससे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपना योगदान दे सके। अपने विशेष अधिकारों की वजह से ही शतरंज की रानी को खेल का सबसे शक्तिशाली मोहरा माना जाता है। खेल चाहे शतरंज का हो या इस विशाल जीवन का, शक्ति का उपयोग अगर समय देख के किया जाए तो विजय संभव होती है। मगर वहीं अपने दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये सामाजिक ढांचा भी चरमराने लगता है और सही गलत के बीच का भेद भी मिट जाता है। इस समाज ने इन दोनों वर्गों को देखा है, जहां एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता और साहस से अपने राज्य की रक्षा करके एक सशक्त नारी की तरह सभी महिलाओं को प्रेरित किया है, वहीं कुछ स्त्रियों के विकास के लिए बनाए गए अधिकारों का गलत फायदा उठाकर वो महिला सशक्तिकरण का एक गलत उदाहरण बन रही हैं। अंत में जितना विकास होता है उतनी ही उस विकास में अड़चने आती है। इस महिला विकास में अगर ये रूढ़िवादी समाज अड़चन डालता है तो ये बिल्कुल शतरंज की तरह है, जिसमें अगर मोहरे रानी को घेरे और ये सोचे कि वो रानी उनकी हद में है तो ये सिर्फ इस बात पे निर्भर करेगा कि चाल किसकी है।